हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है ट्यूसडे का दिन और मैं जा रहा हूँ डीओनार बकरा मंडी, मेरे साथ में जीशान भाई। तो वैसे तो आज ईद तो ख़त्म हो गई है, तो अभी तो ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते कि अच्छे बकरे मिलेंगे, तो जो भी मिलेगा देख लेना भाई, बुरी कमेंट मत करना। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने इस चैनल पे स्विच क्यों किया, बिकॉज बहुत से लोगों को मेरे चैनल का नाम ढूंढने में तकलीफ होती थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक सिंप्लीफाइड जो नाम होगा, इजी नाम, उससे स्टार्ट करते हैं। सो अब से डीओनार के वीडियोस जो भी होंगे, वीकली अपडेट्स आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या डीओनार बकरा मंडी जो ईद का टाइम था उसको ख़त्म हो के 2 हफ्ते ही हुए हैं। आप लोग देख सकते हो कि डीओनार का जो भी मेंटेनेंस का काम है वो स्टार्ट है, काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है फ़िलहाल तो। और सेकेंडली, ये ट्यूसडे की मंडी थी तो एक्सपेक्टेड कि काफ़ी कट्टू बकरे ही आए हैं, लेकिन कट्टू बकरों के साथ में यहाँ पर काफ़ी जो है बकरा, ईद के जो बकरे हैं वो भी बच गए थे, तो उसमें से भी मैं आप लोग को बताऊँगा। इसमें से जो भी मैंने वीडियो कवर किया है, जो मुझे पर्सनली अच्छे लगे, शायद आप लोगों को भी वो बकरे अच्छे लगे हों, तो मैंने उन बकरों को थोड़ा कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है अभी तक और आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर जुड़े हुए हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दो यार, दैट वुड बी रियली अप्रिशिएटेड। सो आगे भी जो बकरे आप लोग देख रहे हो, ये जो बच्चे देख रहे हो ना आप लोग, ये जो है 22,000 रुपीज़ मांग रहा था इन दोनों का, उसमें से लेफ्ट साइड वाला हमारे सामने 9,000 में सोल्ड हो गया, एंड जो सेकंड वाला है शायद आप लोगों को आज या कल तक अवेलेबल हो, तो आप लोग जा कर के चेकआउट कर सकते हो। मैं इसकी गारंटी नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि डीओनार है, कभी भी बकरे बिक जाते हैं। और अब ये जो बच्चे देख रहे हो ना आप लोग, ये बच्चे H2 बाड़े में 3,000 से लेके 4,000 तक के रेंज में थे, तो शायद आप लोग जाकर के एक बार कंफर्म कर लो, क्योंकि लॉट में बकरे वहाँ पे बिक चुके थे ऑलरेडी, तो शायद आप लोग को एक या दो बकरे मिल जाए। अगर जिसको भी बच्चे पालना हो तो आप लोग जा सकते हो, क्योंकि डीओनार में बड़े बकरों से ज़्यादा छोटे बकरे पसंद, जो पालने लायक बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे, और बहुत सारे लोग 3,000-2,000 रुपीज़ में ख़रीद के लेके भी जा रहे थे। अब जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ना, ये बकरे जो है हकीके के लिए, अगर किसी को हकीके के लिए लेना है, या ये ब्लैक वाला देख रहे हो आप लोग सामने, ये पालने लायक भी है इसमें से कुछ, अगर आप लोग चूज़ कर सकते हो जो आप लोगों को पसंद आए तो। या तो फिर मोस्टली ये मीट पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, उसमें से ही बच्चे हैं ये, ज़्यादा मैं इनका साइड नहीं लूँगा, क्योंकि ये मुझे लग रहा नहीं कि क्वालिटी के बच्चे हैं। सो प्लीज़ देख के खरीदिए। एंड सेकेंडली, इसमें से भी शायद मुझे पसंद आ रहे थे, इसलिए मैंने इन छोटे बच्चों का वीडियो निकाला। इसमें से भी अगर आपको लगता है कि ये कट्टू बकरे तो शायद आप लोग मत ही खरीदिए। वो जो सामने देख रहे हो आप लोग, थोड़ा बॉडी पे चिट्टे वाला बकरा, वो भी मुझे पर्सनली पसंद आया, लेकिन वो सिंगल बकरा सोल्ड नहीं कर रहे थे, वो शायद पट्टी के हिसाब से दे रहे थे, इसलिए वो रेट नहीं बता रहे थे। अभी जो मेंढा देख रहे हो, ये थोड़ा यूनिक कलर में लगा मुझे, और इसकी सिंग भी काफ़ी यूनिक थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका थोड़ा सा वीडियो निकालूँ। इसका वो 14,000 रुपीज़ मांग रहे थे, एज एन ऑफ सीज़न मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा। अब आप लोग के जो भी ओपिनियन है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, सो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो। अभी जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ना, ये अंडुल बकरे थे, शायद बकरा ईद के कुछ लेफ्ट ओवर बच्चे जो हो जाते हैं वो ये लोग शायद से रीसेल कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़े बहुत जो है वो अच्छे बकरे थे, मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया जो मुझे पसंद आ रहे थे वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, उसी बकरों को मैंने कवर किया, शायद आप लोगों को भी वो बकरे पसंद आए। सो प्लीज़, अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो जा कर के। डीओनार की वीडियोस की अपडेट ऐसी आती रहेगी हर हफ्ते में एक दिन शायद आप लोगों को अपडेट मिल जाए। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल्सो लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।
अभी जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ये बैंटम के हैं, इसमें से जो आसिफ स्टडी जो लगता है बड़ा आसिफ स्टडी स्टार गोट फार्म का, वहाँ पर ये बैंटम जो है फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। इनका रेट तो मैंने पूछा नहीं, तो आप लोग जाकर ये खुद इंक्वायरी कर सकते हो। ये कौन सी क्वालिटी का बकरा है मुझे नहीं पता, क्योंकि इसकी वाइट आइज थी और इसके कान भी काफ़ी बड़े थे, बकरा पूरा वाइट था। ये बैंटम बकरी है और इसके दो ही बच्चे हैं, लेकिन ये दोनों फीमेल हैं, इसमें से दोनों भी मेल नहीं है, दोनों भी फीमेल है। तो आप लोग में से जो भी इंटरेस्टेड है और फीमेल लेना चाहता है बैंटम की, तो आप लोग जा करके धक्का गेट के एग्जैक्ट सामने जहाँ आसिफ स्टडी स्टार गोट फार्म लगता है वहाँ पर आप लोग को अवेलेबल हो जाएंगे। उसी के साथ साथ आगे जो है ये बच्चे जो आगे थोड़ा सा आप आसिफ स्टडी के आगे जाओगे वहाँ पर ये जो बच्चे का थोड़ा सा सेक्शन लगाया हुआ है। ये बच्चे अब कौन से ब्रीड के हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि वो जो ओनर था वह इंदौर के बोल रहा था, तो आप लोग खुद जाकर के एक बार कंफर्म कर सकते हैं। ये जो बच्चे हैं वो 3000 से 4000 जो है वो फाइनल प्राइस बोल रहा था, तो 3000 से 4000 अगर आप लोगों के बजट में बैठ रहा है तो ही आप लोग जा करके लेना। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत काफ़ी ज़्यादा छोटे बच्चे थे एंड ये दूध पीते बच्चे हैं, तो आप लोग अगर पाल सकते हो आपके पास कैपेसिटी है तो आप लोग जाके ज़रूर खरीदिए, क्योंकि अच्छे खूबसूरती में माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बकरे थे। एंड अभी आते हैं तो ये सबसे वीडियो का सबसे सैडेस्ट पार्ट है, बिकॉज यहाँ पर जो बकरे आप लोग देख रहे हो ना ये सब बकरे हैं 100 केजी प्लस, 95 से लेकर के 100 केजी प्लस के बकरे। ये आए थे नागौर से, ये बकरे जितने भी थे ये बकरे नागौर से आए थे और ये सब 100 केजी प्लस के बकरे। ये आए थे ईद में सेल के लिए, बट ये अनफॉर्चुनेटली अनसोल्ड रह गए ये साल। अब आप लोगों को मैं इसका प्राइसिंग बताऊंगा तो आप लोग और शौक हो गए, क्योंकि जो बंदा था वो टोटली लॉस में जा चुका है, जो व्यापारी था इसका टोटली लॉस में जा चुका है और वो ये इट इज़ वेरी मतलब बकरों की कंडीशन इतनी गिर रही थी कि जो व्यापारी था वो भी एकदम हार चुका था और वो बकरे कैसे भी बेच करके बस जाना चाहता है। तो अगर आप लोगों को आप लोग के पास कैपेसिटी है और आप लोग पाल सकते हो ये बकरे, तो आप लोग जा करके डेफिनेटली खरीदिए। ये बकरे आप लोगों को जो स्टेशन का गेट है वहाँ से आप सीधा घुसोगे वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि शायद ये फीडिंग के लिए बाहर निकाला था ये बकरे। तो इसमें से आप लोगों को जो भी पसंद है आप लोग जा करके चेकआउट कर सकते हो। ये बहुत चीप रेट में दे रहा था बकरे, क्योंकि बकरा में ये बकरे अनसोल्ड रह गए थे बारिश की वजह से शायद। सो प्लीज़ जा करके अगर किसी को भी फंक्शन या वगैरह के लिए कुछ भी खरीदना है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जा करके इनसे एक वाजिब रेट में ख़रीद लीजिए, ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।